ये तो वीडियो आप लोग की पूरा तबीयत देखना, खराब इसमें रहेगी, पता सुमनाधि रहेगी बता रही है कि कि ज्यादातर वंशु से कमेंट क्यों नहीं में बात कि करती है आपने और अभी इसके तक बारे में क्यों बात बात नहीं नहीं की हुई है, है, बात बात हुई हुई है, है, होती होती है है या या नहीं नहीं होती होती है। है। तो ये जो भी तो चीजें ये होगी ना, सारी अंशु की चीजें और मेरी अंशु जो गोला की बात है ना, सपना दिया सारी वो चीजें थोड़ी क्लियर छोटी अंशु करूंगी। जो वीडियो वीडियो को पे बात लास्ट करती तक थी ना, जरूर वो देखना, चुप चुप तभी करती आपको थी, क्योंकि पूरा मैं ऐसे समझ वीडियो आएगा। कॉल भी नहीं लगा सकती थी कि उसके मम्मी पापा को मतलब मना किया था कि वहाँ बात मत करना, क्योंकि माहौल गर्म है जो भी बातें हैं, तो मेरे से बात करने के लिए मना किया था और मैं उससे बात करके वीडियो कॉल लगा देती और उसके घर में लड़ाई हो रही होती, तो मैं ये नहीं चाहती। अभी तब थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, जो भी है उन्होंने बोला कि हाँ बात कर ले, अभी बात हो रही है हमारी और मैं वीडियो कॉल भी लगा दूंगी आपके लिए। हर चीज़ ज़रूरी है, सारी चीज़ें बताओ दिखाओ। आप लोग को ज़्यादातर पता होगा कि मेरा और अंशु का रिलेशन जो ऐसा है ना कि कुछ भी हो जाए ना हम कभी बात करना छोड़ सकते हैं। हाँ सोशल मीडिया पर नहीं रख रहे थे क्योंकि काफ़ी सारे रीज़न थे, मना भी किया था, वो छोटी बच्ची जैसे उसको बोलेंगे वैसे वो करेगी, तो उसकी गलती नहीं है इसमें। अब क्या हुआ मुझे उस चीज़ में आप लोग बोल रहे हो, ये तो जल्दी अपने में मस्त हो गई है, खो गई है, इसको तो मतलब ही नहीं है किसी से। और अंशु का हो गया कि अंशु से बात नहीं होती या नहीं होती, और मैं उसको पहली बेटी मानती थी, तो देखो बेटी मानती थी हूँ, ऐसा नहीं होता कि आज रिलेशन है कल खत्म हो जाएगा, कैसी भी परिस्थिति हो। अब चीज़ें इतनी ख़राब हो रही है ना कि हर चीज़ मैं सोशल मीडिया पे नहीं ला सकती, और बार बार मैं नहीं चाहती कि वही सब लाऊं, नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करती हूँ, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। जब अपनी लाइफ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है जो भी लाइफ है, तो लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये तो अपना दुखड़ा रोती रहती है, तो ये करती रहती है। आज मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, ये तो खुश रह रही है, तो ऐसे थोड़ी होता है, जीने का भाई सबको होता है। तो एक तो ये हो गया अंशु वाली बात, तो अंशु और मेरी कभी बात बंद ही नहीं हुई थी पहली बात। हाँ उन्होंने उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि मैं बात मत कर, इस वजह से मैंने सोशल मीडिया पे कभी नहीं रखी कि मैं अंशु से बात करती हूँ कुछ भी है। अभी उन लोगों ने बोला कि हाँ बात कर सकती है, तब मैं ये वीडियो कॉल लगा रही हूँ कि हाँ हमारी बात होती है अंशु और मेरी, और मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम बनूं। जब उसके पेरेंट्स अगर मिलने की भी हाँ करेंगे तो हम कभी मिलेंगे, अगर वो ना करेंगे तो शायद हम नहीं मिल पाएंगे, और वो मेरे नसीब में वो आएगी मेरे पास या कभी, तो देखती हूँ। वैसे मेरा नसीब बहुत खराब है, कुछ अच्छी चीज़ें मेरे साथ हो नहीं सकती। हाँ और दूसरी बात करते हैं, हम द रॉट अंशु को दिया या नहीं दिया, तो द रॉट वाले दो चैनल थे, द रॉट शॉर्ट, द रॉट, द रॉट मेरे पास है, द रॉट शॉर्ट पे जिसपे अंशु अपनी फैशन की वीडियोस डालती थी, और उसने अपना नाम चेंज कर लिया बेंग अंशु करके, वो उस पर व्लॉग डालती है, तो वो उसी के पास है। रही बात जो ये चैनल जो मैं मेहनत कर रही हूँ, और सूरज जी की मेहनत है, राजवीर जी की मेहनत है, जो भी है, मैंने कुछ भी नहीं लिया। आप लोग क्या चाहते हो कि चैनल भी मैं दे दूँ अंशु की? अंशु मेरी बेटी है, मैंने उसको एक चैनल दिया है, उसका काम भी मैं करवाती हूँ, प्रमोशन भी मैं उसके करवाती हूँ, और रही बात कभी भी उसको कोई फाइनेंशियल कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी, तो जैसे मैं इनके लिए कर रही हूँ ना वैसे ही उसके लिए करूँगी, और वो मुझे पता है। तो ज़रूरी नहीं है मैं हर चीज़ सोशल मीडिया पर बताऊँ कि ये है ये नहीं है, और ज़रा सा खुश रहने लग जाओ तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं है, ये तो खुश रहने लग गई, मतलब क्या करूँ फिर मैं? अब सब कुछ छोड़ के आ गई मैं, मैंने कुछ भी नहीं लिया, और मेरे हक की बात या बच्चों के हक की बात सब कुछ तो छोड़ दिया मैंने, एक चैनल है इनसे मैं कर पा रही हूँ, तो मतलब ये भी मैं छोड़ दूँ, फिर मैं कैसे अपने बच्चों को पालूँ? तो कुछ तो यार सोच समझ के आप लोग कमेंट किया करो, या ऐसे मुंह उठाया कुछ भी लिख देते हो, आपके ये दो शब्द से किसी को कितना हर्ट हो रहा है, थोड़ा सा सोचना चाहिए आप लोगों को। हाँ सोच इसलिए नहीं पाते क्योंकि आपने वो चीज़ फेस नहीं की, समझी नहीं है वो चीज़, कभी कहते ना इतना दुख दर्द झेला नहीं है। हाँ मेरे जैसी बहुत लड़की हैं जो इतना दुख सहन करती हैं या मुझसे ज़्यादा भी करती हूँ, हैं दुनिया में जो मुझसे भी बुरी बुरी चीज़ें उन्होंने फेस की हैं, झेली हैं, पर आज मेरे पास चलो प्लेटफॉर्म है, मैं बता देती हूँ आप लोगों से, सबके पास ये प्लेटफॉर्म नहीं होता कि जो अपनी बात यहाँ तक रख पाएँ। फ़र्क बस इतना है कि मैं अपनी बात रख पा रही हूँ, वो बेचारी अपनी बात रखने के लिए कोई जगह नहीं रहती उनके पास, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। जब मैं पिछली लाइफ से हट रही हूँ, थोड़ा नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही हूँ, नॉर्मल लाइफ कर रही हूँ, अपने काम पे फोकस कर रही हूँ, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आ रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, फिर मतलब क्या करूँ मैं? आप लोग बताओ तो सही, करूँ क्या? बंद कर दूँ चैनल, बंद कर दूँ, चुपचाप बैठ जाऊँ? कहाँ से होगा फिर ये, कहाँ से रेंट ये कहाँ से करूँगी? मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं रखी कि भाई उससे बेच के या कुछ भी कर दूँ, या फिर कोई भी जरिया हो, मेरे पास एक ही जरिया है यही भाई, ये बच्चे हैं, ये जीवन है इनका भी। मैंने इतनी मैंने हिम्मत रखी कि चलो सब कुछ खत्म हो गया, हो जाने दो, मैं आज खुद की मेहनत से करूँगी और कर भी रही हूँ, खुश रह के कर रही हूँ, कोई रोना गाना करके नहीं कर रही, खुश रह के कर रही हूँ, तो उसमें तो आप लोग को साथ देना चाहिए मेरा। मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, तो आप लोग को साथ देना चाहिए इन बच्चों के लिए। अगर मैं आज ये व्लॉगिंग ये जो भी है करूँ नहीं, घर बैठे कमा रही हूँ, मान के चलो मैं जॉब भी चलेगी, बच्चों की देखभाल नहीं कर पाऊँ, कमा के ले आऊँ, इनको ना तो देखो पापा का प्यार मिला ना किसी का प्यार मिला, आज जो मैं इनको टाइम दे रही हूँ प्यार दे रही हूँ, वो भी मैं जॉब पे जाऊँ, घर पे बच्चे अकेले रहें ना, मैं वो माँ का प्यार मिल पाए, तो ये लोग चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ मेरा काम आगे बढ़े, जैसे चलो ठीक है मेरे नसीब में कुछ था नहीं, था मेरी बच्चियों का नहीं चाहिए, मैं मेहनत करूंगी ना बस, तो इतना तो समझो आप लोग। और रही बात अंशु से मिलने की, भाई उसके पेरेंट्स को नहीं मिलना या पसंद नहीं है या वो क्या है, वो उनकी लाइफ है, उनकी बेटी है पहले वो, मैंने तो बस माँ की तरह प्यार किया है, जन्म थोड़ी दिया है। वो यहाँ उसको बुला लो यहाँ पे, उसको अपने साथ रखो,
जब वो भेजेंगे ही नहीं तो मैं कैसे किसी की बच्ची को साथ रख लूंगी। वो मेरे साथ थी, हमारा जो मेरा और अंशु का रिलेशन है वो दिल का रिलेशन है कि मैं दिल से अपनी बेटी मानती हूँ। हक नहीं है मेरा उस पर कि मैं बोलूँ आजा अंशु, चाहे मैं रो लूँ या वो मुझसे दूर हो रही है, हम दोनों दूर, दोनों रो रहे हैं एक दूसरे से दूर है, पर मैं कह रही हूँ कि आजा, तो नहीं आने देंगे तो कैसे आ जाएगी वो। 16 साल की लड़की है, मैं उससे बोलूँ या वो मेरे लिए रोए, जब तक भाई उसके पेरेंट्स नहीं चाहेंगे ना वो यहाँ आ सकती है ना मैं वहाँ जा सकती हूँ। वो उनका घर है, वो भी मेरा घर थोड़ी है। तो हर चीज़ देखो आपके बोलने से नहीं हो जाती। क्या आपने बोल दिया कि उनको यहाँ नहीं लेके आ रहे? सही बता रहा हूँ और तुम्हारी कसम। वो हेडफोन मेरे को मिले ही नहीं, क्या ब्लैक वाले, वो नीचे तो नहीं थे फिर? हो सकता है। उसमें वैसे भी एक ऑगी का ऐसे दांत घड़ रहा था, पर लेकिन वो चार्जिंग और वर्क बहुत बढ़िया करते हैं, पर वो मिले नहीं। मैं हर चीज खराब ही करती है, खराब अरे ही करती है यार पता है, उसकी। आप जब अपने वहां गए थे ना, कहाँ पे गए थे, अपने घर पे गई थी ना, तब वो ऑगी मतलब मेरे बेड पे चढ़ जाता था, तो वो उसने अलमारी में से उठा लिए थे। तो कहाँ जा रही है? ट्राई मैं पता नहीं, बस मैं चलता जा रहा हूँ, मेरे को। को अच्छा लग रहा है। थोड़ी बहुत देर मतलब सबकी चपड़ चपड़ से दूर, मतलब मेरे अगल बगल वरना सब चपड़ चपड़ ही करते रहते हैं। मेरे को लग रहा है मेरे को कोई बुला रहा है, पर कोई यहाँ है नहीं, कोई घर पे बुला ही रहा है। दिखाऊँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, फ्लिप करता हूँ, एक मिनट, यहाँ से फ्लिप थोड़ी होता है, वहां जा रही हूँ पटरी से मंदिर की साइड ना, तो नहीं, मंदिर तो उधर है, दूसरी साइड जा रहा हूँ, मंदिर से तो आ गई हूँ मैं, वहां यहाँ क्यों डोल रही है तू अकेली? अभी आया हूँ, तुरंत आया हूँ। इतनी दूर मत जा, पीछे चले जा वापस अरे अकेली अच्छा, ऐसे। अरे वहां पे कोई मिल जाएगा अभी, वहां पे फिर वो पूछेंगे मैं, दिमाग खराब होता है फिर मेरा। अकेली मत डोला कर ऐसे। हाँ मैं इतना दूर नहीं जा रहा, मतलब बगल में एक घर भी है, वो जानते हैं मेरे को। तो फिर भी ऐसा अकेली मत डोल, ये गांव है, ये कोई शहर थोड़ी है। वही है। अरे वो पुराना स्कूल, उस वाला स्कूल नहीं था, उसमें मैं पैंट और टी शर्ट पहन के गया था, तो पता नहीं था, सारे टीचर्स बियर्ड लुक्स दे रहे, मैं कह रहा पैंट और टी शर्ट ही तो। एक मैम कहती है छोटी क्लास के कि बेटा तुझे सूट पहन के आ रहा। मैंने कहा मैम मेरे सूट सिला नहीं है, तो वैसे भी सूट नहीं है तुम्हें। मैंने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है, कुर्ती नहीं है, मैंने शॉर्ट कुर्ती है इतनी पहना। कह रहे बेटा फिर क्या कहूँ मैं, मेरा ले जाइए। मैंने कितनी छोटी सोच है ना उन लोगों की, सच में। तो वैसे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारी बातें भी होती हैं अंशु से, और बस आप लोग समझने की कोशिश किया करो कि कोई कोई टाइम ऐसा होता है कि हर चीज़ हम शेयर नहीं कर सकते कि बात हो रही है नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ जो भी हमारी बातें हों, हम लोग अंशु और मैं कभी साथ हों तो उसके पेरेंट्स को सो ना, कि लड़ाई हो या अंशु के साथ कुछ भी, मतलब मैं नहीं चाहती कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम बनूँ या जो भी है। तो यही था बस, और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनसे भी कहूँ कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एवरीवन।